अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाएंगे गोभी और गोश्त। ये हमने दो गोभी के फूल लिए हैं, तकरीबन वजन में ये होंगे बनाना हाफ के जी, ठीक है जी। और ये हमने एक किलो गोश्त लिया है, बीफ का हड्डी वाला, ये देखें, ठीक है जी। और इसमें जाएगा ये हरा धनिया, ये दो हरी मिर्चें, दो प्याज जाएगी, 8 से 10 हरी मिर्चें जाएंगी। ये अदरक का एक पीस है, आप चाहे तो इससे थोड़ा डाल सकते हैं, इससे ज्यादा डाल सकते हैं, ठीक है जी। और ये 4 आलू है, ठीक है, ठीक है। तकरीबन इसमें ये हमने बड़ा पैन लिया है, ताकि गोभी जो है फूल कट के मोटे होते हैं, इस वजह से हमने बड़ी लिया। इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे, ये तकरीबन ये देखें, एक खाने का चम्मच, और तकरीबन ये हमारे 2 खाने के चम्मच जाएंगे। इसमें ये 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर जाएगा, और इसमें 1 चम्मच भर के ये धनिया पाउडर जाएगा, और ये 4 से 5 चुटकी जो है हमारी वो बन जाएगी हल्दी, 1/4 चम्मच। इसमें हम डालेंगे 1 तेज पात का पत्ता और 1 ये बड़ी लौंग। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि इसमें जो ये गोश्त के समान हो वो ना आए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 से 5 कप, 6 कप के करीब पानी डलेगा इसमें। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल भी साथ ही ऐड कर देंगे, ये हमारा 2 कप के करीब ऑयल है, ठीक है जी। ये हम इसमें डाल रहे हैं, अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं, ठीक है जी। चलो जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इस पे रख दिया है, ठीक है जी। इसमें हमने ऑयल भी ऐड कर दिया, इसमें हमने सारे मसाले ऐड कर दिए। इसमें हम तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट, ये देखिए 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच भर भर के डालें, तकरीबन 3 चम्मच हो जाएंगे, 3 टेबलस्पून, ठीक है जी। अब ये पकेगा, इसमें हम टमाटर और हम दही भी जब डालेंगे आपको दिखा देंगे, ठीक है जी। फिलहाल इसको हम अब कवर करके तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद दोबारा हम देखेंगे, ये स्टिल पकेगा ऐसे ही, उसके बाद हम दोबारा इसको देखेंगे आके, ठीक है जी। क्योंकि ये बीफ है, ये टाइम लेगा, इस वजह से हम इसको कवर कर देंगे। चलें जी, हम अभी चेक करते हैं, तकरीबन 30 से 40 मिनट ही हुए हैं, ये हमने ये इसमें डाल दिया था, ठीक है जी। तो ये बीफ है, ये थोड़ा देर से गलेगा, इसलिए हमने सारी चीजें डाल के रख दिया था। मैं अगर इसकी बूटी चेक करूं तो कितनी पसा है, ठीक है जी। अभी स्टिल हॉट है, अभी ये गला नहीं है, ठीक है जी। अच्छा है, तो अभी हम इसको तकरीबन इसका पानी खुशक होने तक पकने देंगे, उसमें तकरीबन 1/2 घंटा और लग जाएगा, 20 से 25 मिनट, ठीक है जी। अब स्टिल इसको हम ढक देंगे, ये ऐसा ही पकता रहेगा। चले जी, हम चेक करते हैं, तकरीबन 25 मिनट हो गए, ठीक है जी। हमने टमाटर डाले थे, इनका छिलका उतार लेंगे, ये देखिए बड़ी आसानी से उतर जाता है। इसको देगा इतनी देर में मिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। अभी हम चेक करते हैं गोश्त को गला है क्या नहीं, जी हमारा गोश्त गल गया बहुत अच्छे से। Thank you.
इसमें कहते हैं हम डालेंगे ये हरी मिर्ची उगा कर छोटा, ठीक है जी। ये आलू हैं, पहले आलू डालेंगे, बाद हम ये गोभी डालेंगे इसमें, ठीक है जी। इसको अब हम ऐसे ही रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम इसको चलाएंगे, ठीक है। इसको कवर कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट के बाद हम चलाएंगे। चलेंगे वो भी देखते हैं इसको, ठीक है। ये अपने ही पानी में पक के रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद ऐसे ही चेक करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। चलिए जी हम देखते हैं, ठीक है। स्टील ऐसे ही पके, ठीक है जी। बस इसको हमने हर 4 से 5 मिनट के बाद चेक करते रहना, जैसे ही इसके आलू गलेंगे, इसके आलू नहीं गलेंगे, ये देखिए अभी कच्चे हैं, ये देखिए ये बिल्कुल कच्चे हैं आलू, जैसे ही ये गल जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद दोबारा दिखाएंगे। चलिए हम चेक करते हैं, 4 से 5 मिनट हो गए, ये देखिए जैसे जैसे हम इसको बार बार चला के और छोड़ेंगे वैसे वैसे हमारी गोभी और आलू गलते जाएंगे साथ साथ। इसको कवर कर देते हैं, फिर 4 से 5 मिनट के बाद हम देखेंगे, ठीक है जनाब। चले जी फिर से चेक करते हैं, ठीक है जी। जब तक हमारे आलू ना गल जाए, गोभी तो आपको आलू के साथ साथ हो ही जाता है जल्दी, लेकिन आलू बनते हैं तो देखिए नीचे पानी निकल आया, अब इसके इसका पानी भी साथ साथ खत्म हो गया और आलू भी गल जाएंगे, ठीक है जी। ये देखिए अभी आलू सफ़ेद है, और गोभी ये देख रहे हमने कितने बड़े बड़े वो बनाए थे, लेकिन वो सब टूट गए। आलू थोड़े नीचे कर देते हैं ताकि वो गल जाए, गोभी तो ऑलमोस्ट गल ही गया है। 5 से 7 मिनट के हम इसको रखेंगे, ठीक है जी। फिर मिलते हैं 5 से 7 मिनट के। चलिए हम चेक करते हैं, बनने के आ गया है, सब कुछ हो गया। यहाँ पे इसमें सब हम डालेंगे 1 चम्मच गर्म मसाला पिसा हुआ, ये हमारा होम मेड के मसाला, ठीक है। अब हम इसको चलाएंगे ताकि हमारा गर्म मसाला भी साथ ही इसमें मिक्स हो जाए और हम ज़्यादा इसको ज़्यादा चलाने लगे। चलिए जी हम चेक करते हैं, ये देखिए हमारा ओवन तो रेडी हो गया, हमारी सब्जी बनकर रेडी है, ये देखिए हमारा
कितना मोटा मोटा काटा था बीच में बच चुका है। ठीक है जी, अब हमारे आलू भी आलू में गल चुके हैं। हाँ जी, आलू गल चुके हैं। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ठीक है जी, और फिर नीचे हम फ्लेम बंद कर देंगे। हमारा गोभी और गोश्त रेडी। ये लो जी, ये हमारा गोभी गोश्त का सालन जमसा है। ठीक है जी, ये पक के रेडी है। इसमें आलू आप अपनी मर्जी से डालें, आपकी मर्जी है, ना डालें आपकी मर्जी है, मेरे घर में पसंद करनी इसलिए मैंने डाला। ये हमारा गोभी गोश्त रेडी है। बनाइए हेल्थी, खाइए हेल्थी। तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।